सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माय आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर, ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। इस वीडियो में मैं आपको डिजाइनर ए लाइन कुर्ते की कटिंग करना बता रही हूँ, और इसको हम दो कलर से बनाएंगे। इसके फ्रंट साइड में हमें दो पार्ट बनाने हैं, तो इसकी कटिंग करना मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, ये हमारी कुर्ती का कपड़ा है और इसको मैंने बिल्कुल बीच में से फोल्ड किया हुआ है, और इसकी जो हम लंबाई लेते हैं, जितनी हमारी तैयार लंबाई होती है उससे करीब 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं, ऊपर तीरे की सिलाई के लिए और नीचे मोड़ने के लिए। और मैंने अपनी लंबाई के हिसाब से ही इसकी कटिंग की हुई है। और जब भी हम किसी भी कपड़े की कटिंग करते हैं तो उसकी जो किनारी है वो लंबाई में आनी चाहिए। और इसके बाद हम बिल्कुल बीच में से इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, और देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ये देखिए, पहले बीच में से और फिर इस तरह से। और इसके बाद सबसे पहले हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमें 7 इंच रखना है, तो ये निशान हम यहाँ पर 7 इंच पर लगाएंगे। और यहीं से हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, और ये भी हमें 7 इंच रखना है। और फिर देखिए, यहीं से हम अपनी चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो जितनी हमारी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा हमें रखना होता है। तो हमारी चेस्ट 34 इंच है, उसका चौथा हिस्सा हुआ 8.5 इंच, तो ये निशान हम 8.5 इंच पर लगाएंगे। अब यहाँ से हम एक निशान 7 इंच पर लगाएंगे जो हमारी कमर के लिए होगा, और एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे जो हमारे हिप के लिए होगा। अब जो निशान हमने अपनी कमर के लिए लगाया है, वहाँ पर भी हम कमर का चौथा हिस्सा लेंगे। जैसे हमारी कमर 32 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 8 इंच, तो एक निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद जो निशान हमने हिप के लिए लगाया है, वहाँ पर अपने हिप का निशान लगाएंगे। और नॉर्मल कुर्ती में हम चौथा हिस्सा ही रखते हैं, जैसे 36 इंच हिप में 9 इंच आएगा, लेकिन जो ए लाइन कुर्ती है उसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे, तो इसको हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, यानी 10 इंच पर ये निशान लगाएंगे। और इसके बाद हम नीचे के घेर पर निशान लगाएंगे। पहले जितना हमने हिप के लिए निशान लगाया है, यानी 10 इंच, इतना निशान लगाएंगे। और फिर जो ए लाइन कुर्ती होती है उसमें हम 5 या 6 इंच ज़्यादा रख सकते हैं, और आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें 5 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, तो एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। और इसके बाद इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। और देखिए, ये निशान इस तरह से लगाने के बाद हम यहाँ से 1.5 से 2 इंच बाहर बाहर को निशान लगाएंगे, जो हमारी कटिंग के लिए होगा। और देखिए, जो हमारे हिप के सामने ये निशान है, यहाँ से हमें कटिंग के लिए कम लेना है, करीब 0.5 इंच नीचे तक, इतना ही लेना है। और देखिए, ये निशान लगाने के बाद हम अपने आर्म होल को गोलाई देंगे, तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई देंगे, और यहाँ पर करीब 0.5 इंच इस तरह से एक निशान लगाएंगे, और इसको इस तरह से मिला देंगे। ये हमारी आगे के मुड्ढों की गहराई के लिए होगा। ये 0.5 इंच की हम इसमें शेप देंगे, और यहाँ से देखिए इस तरह से। इसके बाद हम अपने गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। और जो हमने गले के लिए निशान लगाया है, यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम मुड्ढों की साइड हल्की सी ये गहराई देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। पहले पीछे के हिस्से की कटिंग करेंगे, और देखिए यहाँ नीचे की साइड आप इस तरह से भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई दे सकते हैं, ताकि हमारे कोने लटके ना इस तरह से।
करीब 1 इंच की। और इसके बाद हम अपना पीछे का हिस्सा अलग कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे के मुड्ढों की कटिंग कर देते हैं। और इसके बाद हम इसमें गले की कटिंग करते हैं। ये गला हमें बुकरम के ऊपर नहीं बनाना है, इसकी कटिंग हमें इसके ऊपर ही करनी है और इसको हमें राउंड शेप में बनाना है। तो पहले हम यहाँ से 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। फिर यहाँ से हम इसको गोलाई देंगे और इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। और इसके बाद हम पीछे के गले की कटिंग करेंगे। चौड़ाई के लिए हमारा ये कट लगा हुआ है और गहराई में इसकी ज़्यादा नहीं रखूँगी, केवल 2 इंच रखूँगी। और इसको भी हम इस तरह से गोलाई देंगे। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करते हैं। ये हमारी कुर्ती की साइड में से बचा हुआ कपड़ा है, देखिए ये और ये इस तरह से। और अगर आपको आधी बाजू बनानी है तो आराम से इस तरह से हमारी बाजू निकल जाएगी, इधर से हमारे मुड्ढे और ये हमारी लंबाई। लेकिन अगर आपको पूरी बाजू बनानी है तो हमारा देखिए यहाँ पर जोड़ आएगा, और आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं दूसरे कलर की, तो ये हमारा जोड़ छिप भी जाएगा और इसमें एक डिज़ाइन लगेगा। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, अगर आप जोड़ लगाना नहीं चाहते तो। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी बाजू की चौड़ाई कितनी है। तो जितने हमारे आर्म होल हैं उससे 1.5 इंच ज़्यादा हमें बाजू की चौड़ाई लेनी होती है। तो देखिए इधर हमारा एक कपड़ा बच जाएगा तो हम इधर से निकाल लेते हैं, क्योंकि 8.5 इंच हमें बाजू की चौड़ाई चाहिए। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, करीब इतना हम ऊपर सिलाई के लिए छोड़ देते हैं जो हमारा जोड़ आएगा उसके लिए। और उसके बाद हम 8.5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं, देखिए यहाँ तक। तो यहाँ से हम अपनी बाजू निकाल लेते हैं ताकि इधर हमारा कपड़ा बच जाए। उसके बाद हम यहाँ से अपनी बाजू की लंबाई देखते हैं। तो जितनी हमारी तैयार लंबाई होती है उससे 1.5 से 2 इंच हम ज़्यादा लेते हैं मोड़ने के लिए और इधर मुड्ढों की सिलाई के लिए। तो ये मैं 19 इंच ले रही हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ से आप चौड़ाई देख लें ताकि आपको ये चौड़ाई कम ना पड़े। और अगर आप हेल्दी हैं तो आप यहाँ से बाजू निकालने के बजाय आप इधर से बाजू निकालें ताकि आपको चौड़ाई कम ना पड़े। देखिए यहाँ पर जो हमारी बाजू की लंबाई है, एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे तो मुझे ये चौड़ाई बिल्कुल सही रहेगी मेरे लिए। और अब एक निशान यहाँ से 3 इंच पर लगाएंगे मुड्ढों की गोलाई के लिए इस तरह से। और पहले हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इसके बाद हम अपनी बाजू के आगे से चौड़ाई देखते हैं और देखिए जितना हमारा सिलाई में जाएगा इतना छोड़ के तब हमें अपनी बाजू की चौड़ाई देखनी है। जैसे ये मुझे 4.5 इंच रखनी है तो एक निशान में 4.5 इंच पर लगाऊंगी और ये हमारा इतना कटिंग में आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह से यहाँ तक जो हमने मुड्ढों के लिए निशान लगाया है यहाँ तक इस तरह से सीधा कर देंगे और इसके बाद इनकी कटिंग कर देंगे। और देखिए ये हमारी बाजू इस तरह से आएगी। और इसके बाद हम ऊपर ऊपर से एक एक पीस उठा लेते हैं और आगे के मुड्ढों को गहराई देंगे। और देखिए आप इनके ऊपर इस तरह से निशान लगा लें ताकि आपको आइडिया रहे कि हमारे आगे के हिस्से कौन से हैं। और इसमें देखिए हम 1/2 इंच के करीब करीब 1/2 इंच की शेप देंगे। आप चौक से निशान लगा के ये शेप दे सकते हैं इस तरह से। और देखिए इसके बाद हमने मैचिंग का कपड़ा लिया हुआ है और ये हमारी कुर्ती के आगे का हिस्सा है। और इस कपड़े को मैंने बिल्कुल बीच में से फोल्ड किया हुआ है और अपनी कुर्ती के आगे के हिस्से को भी बीच में से फोल्ड करके इसके ऊपर रखा हुआ है, यानी ये एक पीस हमें बिल्कुल सेम काटना है। इस तरह से पहले आप निशान लगा लें। और ये निशान लगाने के बाद हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं।
और देखिए इस तरह से ये हमारे इस पीस की कटिंग हो जाती है और इसको हम अलग रख देते हैं। और देखिए इसके बाद हम अपना आगे वाला पीस लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं बिल्कुल जैसे मैंने किया हुआ है। और इसके बाद देखिए यहाँ से करीब 2.5 इंच तक बिल्कुल इस तरह से हम सीधा रखेंगे। और इसके बाद देखिए बिल्कुल धीरे थोड़ा थोड़ा यहाँ से हल्का हल्का इसको गैप देते हुए हम इस तरह से लाएंगे। ये गैप हमारा बढ़ता जाएगा और देखिए यहाँ नीचे की साइड इस तरह से यहाँ से ये गोलाई देंगे, यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। और देखिए इस तरह से ये निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं और यहाँ से इसकी सीधी कटिंग करते हैं। देखिए ये हमारी कुर्ती इस तरह से बनेगी। पहले देखिए हमारा ये हमारा पीछे का पीस है, इसके बाद ये हमारा मैचिंग का पीस है और इसके बाद ये हमारे फ्रंट के पीस हैं दोनों आगे के। और जब आप इसकी सिलाई करें तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इस जगह या तो आप पाइपिंग लगा लें या कोई लेस लगा लें या और एक पट्टी काट के आप इस पे लगा के अंदर की साइड को मोड़ लें। पहले आप इसको तैयार करें आगे के दोनों पीस और फिर जैसे हम अस्तर जोड़ते हैं इस तरह से इस वाले पीस में इसको इस तरह से जोड़ लें अस्तर की तरह। और तब जैसे हम सिंपल कुर्ती सिलते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसकी सिलाई करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।